हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एडिफाइंग एकता 24। और मैं हूँ आपकी दोस्त एकता। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी नवरात्रि चल रही है, तो आज हम जा रहे हैं भोपाल के कंकाली माता मंदिर, जो कि यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए, आज मैं आपको अपने साथ वहाँ ले चलती हूँ और वहाँ के दर्शन कराती हूँ। आइए। तो फ्रेंड्स, ये हम निकल चुके हैं कंकाली माता मंदिर के लिए। भोपाल के आनंद नगर से ये लगभग 11 किलोमीटर दूर है। और अगर आप कहीं और से आते हैं, भोपाल के किसी और सेक्शन से, जैसे कि एमपी नगर हो गया, न्यू मार्केट या कोई और रास्ता, तो वहाँ से आपको ये पड़ेगा लगभग 15 से 20 किलोमीटर के लगभग, और आप आधे घंटे से 45 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हम मंदिर पहुंच रहे हैं, तब तक मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। ये भोपाल के रायसेन रोड पर पड़ता है और ये यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि आप यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं, वो मन्नत जरूर पूरी होती है। यहाँ पे काली माता की बहुत ही सुंदर मूर्ति है, जिसमें उनकी गर्दन एक तरफ टिल्टेड दिखती है। लेकिन ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पूरी तरीके से बना नहीं है, और जब ये बन के तैयार हो जाएगा, तब ये और भी सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, लगभग आधे घंटे के बाद हम कंकाली माता मंदिर पहुंचने वाले हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, दूर से ही मंदिर का गुंबद दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, मंदिर तक पहुंचने के बाद हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया। उसके बाद हम पैदल उतर के गाड़ी की से मंदिर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको एक प्रॉपर पार्किंग की जगह मिलती है, और वो कि नॉन पेड पार्किंग है, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते। गाड़ी को पार्क करने के बाद हम यहाँ निकले। ये आप यहाँ का मार्केट देख सकते हैं। यहाँ पे जो है मोस्टली लोहे के सामान बिकते हैं, और बाकी वही मंदिर का प्रसाद, चुंदी, ये सब चीज़ें। यहाँ से हम मंदिर में एंटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप जो भी देख रहे हैं, ये पूरा मंदिर का प्रेमिसेस है। ये देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आप अगर चाहें तो कुछ सपोर्ट भी कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर फ्रेंड्स, हम जब यहाँ पहुँचे तो बहुत ही अच्छा टाइम था। माता को भोग लग रहा था, इसलिए इनका पट बंद था, और ये आरती का समय था। अब आप देखिए माता की लाइव आरती। फ्रेंड्स, आई होप आपने माता की आरती पूरी देखी होगी और हमारे पूरे वीडियो को भी देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप भी काली माता के भक्त हैं, और अगर आपने भी ये मंदिर देखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें, इसको लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि मुझे भी पता चले कि कौन कौन है यहाँ पे काली माता के। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब भी उतने ही बड़े भक्त हैं काली माता के जितने मैं हूँ। फ्रेंड्स, आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही और भी वीडियोस के साथ। तब तक आप स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। थैंक यू। जय माता दी।